बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मुंबई के लाल बागचा राजा के पंडाल में पहुंची। वहां पर दीपिका ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और हाथ जोड़कर बप्पा को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने गणपति की पूजा अर्चना भी की। वहां उनके चाहने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सारे फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब दिखे। दीपिका ने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी थी जिसके बॉर्डर पर हैवी एम्ब्रॉयडरी थी। उन्होंने बड़े इयररिंग और टाइट हेयर स्टाइल की थी जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। साड़ी के लिबास में दीपिका बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। नई नवेली दुल्हन के गेटअप में दीपिका की खूबसूरती और बढ़ गई थी। दीपिका आम जनता के बीच से गुजरती हुई बप्पा के दर्शन के लिए वहां पहुंची और बप्पा की पूजा अर्चना की। कुमकुम का तिलक लगाकर गणपति के आगे नतमस्तक कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। फिल्म जगत की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म छपाक में नजर आएंगी। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर यह फिल्म आधारित है। मेघना गुलजार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म 83 की शूटिंग पूरी करने के बाद दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हाल ही में भारत लौटे। दोनों स्टार एयरपोर्ट में एक साथ नजर आए। दीपिका पादुकोण ने बप्पा के दरबार की तस्वीरें साझा की। नई नवेली दुल्हन के लुक में दीपिका पादुकोण बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। दीपिका फिल्म 83 में कपिल देव की पत्नी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म जगत से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए टीडीसी न्यूज। सबसे पहले खबरें देखने के लिए टीडीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।